हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ दानिश अली, BMS फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है द एनाटॉमी ऑफ ईयर, मतलब हम इसमें कान के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। कान ऑर्गन ऑफ हियरिंग है जिसकी मदद से हम सुनते हैं और यह बॉडी का बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है। एक्यूस्टिक नर्व जो कि अर्थ क्रैनियल नर्व है वो इसे सप्लाई करती है। जो स्ट्रक्चर कान को बनाते हैं वो सब टेम्पोरल बोन के अंदर होते हैं, सिर्फ पिन्ना को छोड़कर। ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द आउटर ईयर, द मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तो फंक्शन क्या होता है आउटर ईयर का? आउटर ईयर साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और उनको मिडिल ईयर की तरफ भेजता है, जो इन साउंड वेव्स को और आगे इनर ईयर में भेज देता है और वहाँ पर ये नर्व इम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है और फिर इन नर्व इंपल्स को हियरिंग एरिया में भेज दिया जाता है जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में है। अब हम आउटर ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, नंबर 1 द ओरिकल जिसे हम पिना भी कहते हैं, नंबर 2 एक्सटर्नल एक्विस्टिक मीटस ऑडिटरी कैनाल। तो जो ओरिकल कान का विजिबल पार्ट होता है जो सिर के साइड्स में होता है, यह फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है और स्किन से कवर होता है। इसमें गहरे गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। लेव्यूल सॉफ्ट पार्ट होता है। अब आता है मिडिल ईयर, इसमें टिम्पेनिक कैविटी आती है। अब टिम्पेनिक कैविटी क्या है चलो देखते हैं। यह एक एयर फिल्ड कैविटी है जो टेम्पोरल बोन के पेट्रस पोर्शन के साथ साथ होता है। यह टेम्पोरल बोन का वह पार्ट होता है जो पायरामिड शेप का होता है। जो यह कैविटी होती है इसमें एयर सैक होते हैं जो कि या तो सिंपल स्क्वायर से लाइंड होते हैं या फिर क्यूबॉइडल एपिथीलियम से। मिडिल ईयर की लेटरल वॉल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बनाती है जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। इसकी रूफ और फ्लोर टेम्पोरल बोन बनाती है। पोस्टीरियर वॉल भी टेम्पोरल बोन ही बनाती है। जो इसकी मीडियल वॉल होती है वह एक थिन लेयर की होती है जिसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, ओवल विंडो और नंबर 2 राउंड विंडो। ओवल विंडो जो होती है इसे छोटी सी स्टेप्स बोन कवर करती है और राउंड विंडो इससे एक फाइन फाइब्रस टिश्यू की सीट कवर करती है। अब आगे चलते हैं फेरिगो टिम्पेनिक या यूस्टेशियन ट्यूब। यह नासोफारनिक्स और मिडिल ईयर को जोड़ती है। यह लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को दोनों तरफ एयर की प्रेजेंस को मेंटेन करने का काम इस ट्यूब का होता है और जब भी साउंड वेव्स आती है तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कराती है। अब बात करते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स की। ऑसिकल्स मतलब बोन्स। कान में 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। यह कहां से कहां तक होती हैं? यह मिडिल ईयर से होती हुई टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से होकर ओवल विंडो तक जाती है। ऑसिकल्स मिलकर एक मूवेबल जॉइंट की सीरीज बनाते हैं और ये फाइन लीगामेंट से बंधे होते हैं। पहला है द मेलियस। यह हैमर शेप की वॉन है, मतलब हथौड़े के आकार की। इसका हैंडल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में होता है और इसका हेड एक मूवेबल जॉइंट बनाता है इनकस वॉन के साथ। सेकंड है इनकस। इनकस कौन की तरह होती है? यह एनविल शेप की होती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं इसकी शेप। इसकी बॉडी मेलस के साथ जुड़ी होती है लॉन्ग प्रोसेस में स्टेप्स के साथ और यह फाइब्रस टिश्यू से जुड़ी होती है। इसके बाद थर्ड है स्टेप्स। यह स्ट्रिप शेप की वॉन है, मतलब घोड़ा चलाते समय जो फुट रेस्ट होता है उसके आकार की। हेड जो है वो इनकस वॉन के साथ जुड़ता है और इसकी फुट प्लेट ओवल विंडो में फिट होती है। अब आता है इसका तीसरा और आखिरी पार्ट इनर ईयर। ये पार्ट ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो इसमें बॉनी लेवेंथ होती है, मतलब एक भूल भुलैया जैसा। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 वेस्टिब्यूल, नंबर 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, नंबर 3 कॉकिला। तो जो द वेस्टिब्यूल होती है मिडिल ईयर के नज़दीक वाला पार्ट होता है। इसकी लेटरल बॉल में ओवल और राउंड विंडो होती है। इसमें 2 मेम्ब्रेन सैक होती हैं, यूट्रिकल और सेकुलर। ये बैलेंस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। अब है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। यह 3 ट्यूब्स हैं। ये इस तरह से अरेंज हैं कि हर एक तीनों के प्लेन में आती है। इसके बाद आता है कॉकिला। इसके 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें पेरिलिम्फ होता है
नंबर वन स्केला वेस्टुबुली, यह ओवल विंडो से ओरिजिनेट होता है। नंबर सेकंड स्केला टिम्पेनी, यह राउंड विंडो पर ख़त्म होता है। दोनों कंपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कंटिन्यू होते हैं। अब है मेम्ब्रेनस लेबरिनथ, पहले हमने बोनी लेबरिनथ पढ़ा, अब मेम्ब्रेनस। कॉकलर डक्ट पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेबरिनथ, जो कि ट्राइंगुलर शेप की होती है और इसके बेस पर सपोर्टिंग सेल्स होते हैं और स्पेशलाइज्ड कॉकलर हेयर सेल्स होते हैं जिनमें ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं। अब है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, यह स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन है जो वाइब्रेशंस को रेस्पॉन्ड करता है, नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है ब्रेन में, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है।